आज हम बनाएंगे पालक का साग। तो इसके लिए मैंने पालक के पत्तों को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लिया है। अब हम इन पत्तों को काटेंगे। तो यहाँ पर मैं पत्तों को बहुत ही बारीक काट रही हूँ। इस तरह से काटने से साग बहुत जल्दी गल जाएगा और जल्दी पक भी जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं कितनी बारीक तरीके से पत्तों को काट रही हूँ। तो पत्तों को काटने के बाद हम साग को बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। तो इसमें अब हम डाल लेंगे सारे पत्तों को। सारे पालक मैंने डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक यहाँ पे हमें बहुत हल्का डालना है, क्योंकि साग गलने के बाद बहुत कम क्वांटिटी हो जाती है इसकी। और साथ में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। और डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक प्लेट से कवर कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हम कवर हटाकर इसको एक बार फिर से चला लेंगे और आप देख पा रहे हैं कि साग गलकर बहुत थोड़ा सा हो गया है। साग पानी भी छोड़ती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पानी को पूरी तरह से सूखने तक हमें साग को पकाना है। तो साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको अलग प्लेट में निकाल ले रही हूँ और आप देख रहे हैं कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकली है। तो इस पानी को हम अलग बर्तन में छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सेपरेट कटोरी में इसको छान ले रही हूँ। इस पानी का आप यूज़ बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। आप आटा गूंदने में इस पालक के पानी को डाल सकते हैं, या फिर आप इसको पी सकते हैं। हल्का सा नमक डालकर बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब हम लगाएंगे साग में तड़का। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, साथ में सूखी लाल मिर्च। और हम लहसुन और मिर्च को थोड़ा सा चटकने देंगे। हल्का सा ब्राउनिश कलर आने के बाद इसमें हम डाल देंगे बहुत चुटकी भर नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर भून लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे पका हुआ पालक और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी रह गया हो वो इसमें सूख जाएगा। और ये लीजिए, आपका साग बनकर तैयार हो गया है। मज़ेदार गर्मा गर्म पालक के साग को सर्व करें। चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर में बनाएं, बच्चों को, बड़ों को, सभी को खिलाएं, बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।